वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को हम वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का यूज कैसे सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए बच्चे क्या है, कई बार तो सेंटेंस में देखते हैं कि वर्ब के साथ एस यूज हो रहा है, कई बार ई एस, कई बार आई ई एस, और कई बार जो वर्ब है वो अपने बेस फॉर्म में ही है। जैसे कई बार सेंटेंस में सिर्फ बच्चे देखते हैं कि प्ले यूज हो रहा है और कई जगह प्लेज यूज होता है, कई जगह सिर्फ रन और कई जगह रन्स। यहाँ दोनों में हम एस एस यूज कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि कई जगह एस नहीं यूज हो रहा है, जैसे गो के साथ जी ओ एस नहीं यूज हो रहा है, उसकी जगह जी ओ ई एस यूज हो रहा है। इट मीन्स एस के अलावा भी ई एस भी यूज होता है कई बार वर्ब के साथ और कई बार आई ई एस। तो बेसिकली जब हम बच्चों को वर्ब के साथ इन सब का यूज सिखाएंगे, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हेन डू वी यूज एस ई एस आई एस विद द वर्ब। मींस वो ये तो जान पाए कि कब उन्हें यूज करना है और कब उन्हें यूज नहीं करना है। जैसा कि हमें पता है कि हमने अपने पहले वाले वीडियोस में देखा है कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, तो डेफिनेटली उनको करने वाला भी कोई होना चाहिए, या तो वो नाउन होगा या प्रनाउन होगा, जिसको कि हम इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जहां वर्ब है तो डेफिनेटली वहां कोई ना कोई नाउन या प्रनाउन है, कोई ऐसा पर्सन है, थिंग है जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सीता प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट भी सभी में सेम है, बेस फॉर्म प्ले सारों में सेम है, पर यहां आई के साथ हम सिर्फ प्ले यूज कर रहे हैं, जबकि सीता और ही के साथ हम प्लेज यूज कर रहे हैं। इट मीन्स हम एस को एड कर रहे हैं वर्ब के साथ। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो वर्ब के साथ एस यूज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे सीता है, यहाँ पे ही है और यहाँ पे आई है। ठीक है, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे में ये सिखा सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे या फिर यू है, तो वर्ब के साथ हमें कुछ यूज नहीं करना है, वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर प्रॉपर नाउन है, तो हमें यूज करना है वर्ब के साथ या तो एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक, यू वॉक, वी वॉक, दे वॉक, ही वॉक्स, शी वॉक्स, इट वॉक्स, राम, श्याम, राहुल, रीता एटसेट्रा वॉक्स। एक बार जब बच्चा ये चीज जान लेगा, समझ लेगा कि अगर हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तो वर्ब बेस फॉर्म में ही रहेगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब के साथ या तो उसे एस ई एस या आई ई एस यूज करना है, तो 50% तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वर्ब के साथ कब हमें एस यूज करना होता है, कब ई एस और कब हमें आई ई एस यूज करना होता है। लेट्स सी, आप अपने बच्चे को वन बाय वन करके रूल सिखा सकते हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट क्या है कि वर्ब के साथ आपको कब ई एस यूज करना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी वर्ब है, जैसे गो, किस, वॉच, ये सारे वर्ब हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, अगर आपका कोई भी वर्ब एंड होता है सी एच, एक्स, ओ, जेड, एस एच या फिर एस एस, मीन्स वर्ब के एंड में अगर इनमें से कोई भी आ रहा है, तो हमें उस स्पेलिंग के साथ लास्ट में ई एस एड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, गो, गोस, किस, किसेस, वॉच, वॉचेस, मीन्स वॉच मीन्स यहां देखना है, कैच, कैचेस, फिक्स, फिक्सेस, क्रैशेस, डज। रूल नंबर टू कि कब आपको वर्ब के साथ आई ई एस यूज करना है। अगर आपका वर्ब एंड हो रहा है वाई से, ओके, और वाई के साथ हमारे दो रूल हैं। फर्स्ट रूल है कि आपका वर्ब एंड हो रहा है वाई से प्लस उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे एस टी यू डी वाई, स्टडी, स्टडी में लास्ट में वाई आ रहा है, बट वाई के पहले वाला जो अल्फाबेट है
वो कॉन्सोनेंट है डी हियर, तो उस टाइम वाई क्या होता है, वाई निकल जाएगा और वाई की जगह आ जाएगा आई ई एस। जैसे देखिए ट्राई में टी आर वाई, वाई निकल जाएगा टी आर आई ई एस। ओके, मीन्स सिंपली आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि एंड में अगर वाई आ रहा है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई निकल जाता है और वाई की जगह आ जाता है आई ई एस। और जैसे मैंने कहा वाई अगर वाई के साथ वोवेल आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल पी एल ए वाई, तो वाई लास्ट में है, उसके पहले है ए, ए इज ए वोवेल, तो सिर्फ आपको क्या करना है y को भी नहीं निकालना है, उसकी जगह आई ई एस नहीं लगाना है, आपको क्या करना है प्ले के साथ सिर्फ s अटैच कर देना है। मीन्स y के साथ आपको आई ई एस सिर्फ तब ऐड करना है जब y के पहले कॉन्सोनेंट हो। अगर y के पहले वोवल साउंड है तो आपको कुछ नहीं करना है, y जहां पे आ रहा है उसके साथ s लगा देना है। वेरी सिंपल, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि y के पहले अगर वोवल साउंड है तो कुछ भी नहीं निकालना है, सीधा y के साथ प्लस कर देना है s। अब रूल नंबर 3 कि कब आपको y के साथ सिर्फ s अटैच करना है। अगर कोई भी वर्ब है उसके एंड में ch, x, o, ss, sh, z या y और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उन सभी में आपको एक ये लास्ट में s यूज नहीं करना है, नो। इसके अलावा जितने भी आपके वर्ब्स हैं जिनमें ये सारी चीजें नहीं आ रही है, मींस जो रूल 1 और रूल 2 को फॉलो नहीं करते हैं, उन सारों में आपको s लगा देना है। वेरी सिंपल, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक, ड्रिंक्स ना तो यहाँ पे y आ रहा है और ना ही sh, x, os, इनमें से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। मेक, मेक्स, वर्क, वर्क्स, वॉक, वॉक्स। तो फ्रेंड्स आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसमें आपने अपने बच्चों को बेसिक्स भी सिखाए हैं और रूल्स भी सिखाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट कीजिए, बट उन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉन्ड ऑफ लर्निंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।